नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीमांशा अग्रवाल। फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में मोरक्को की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लगातार उलट फेर कर सभी को चौंकाने वाली मोरक्को अचानक ही खिताब जीतने की दावेदार बन गई थी, लेकिन फ्रांस ने 2-0 से जीत हासिल कर मोरक्को का सपना तोड़ दिया। मोरक्को के फैंस टीम की पहली हार को पचा नहीं पाए। मोरक्को के फैंस ने फ्रांस की राजधानी पेरिस और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जमकर उत्पात मचाया। मोरक्को के प्रशंसकों की ब्रसेल्स में पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। यहाँ यह बता दें कि मोरक्को के फैंस पूरे विश्व कप के दौरान अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए काफी चर्चा में रहे। अब विश्व कप में जहां एक तरफ फ्रांस ने विश्व कप में कड़ी दावेदारी अपनी बना ली है, वहीं मोरक्को की टीम को सेमीफाइनल में 2-0 से हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। वहीं दूसरी ओर लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में क्रोएशिया की टीम को पेनल्टी शूटआउट के दौरान हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की की है। रविवार को खेले जाने वाले फाइनल के मुकाबले में 2018 की फीफा विश्व कप की चैंपियन टीम फ्रांस और दो बार की विश्व विजेता अर्जेंटीना ने अपने मुकाबले के लिए कमर कस ली है। फाइनल मुकाबला दोनों ही टीम के स्टार खिलाड़ी मेसी और युवा खिलाड़ी एम्बापे के मध्य बहुत ही ज्यादा रोचक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस विश्व कप में अब तक मेसी ने कुल 5 गोल किए हैं, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे ने भी 5 गोल ही किए हैं। दोनों के बीच इस विश्व कप में सर्वाधिक गोल कर गोल्डन बूट अपने नाम हासिल करने की होड़ अपने चरम पर है। खास बात यह है कि मेसी और एम्बापे दोनों ही अपने देश के अलावा पीएसजी क्लब के लिए एक साथ खेलते हैं, जिससे दोनों को ही एक साथ खेलने तथा एक दूसरे के स्किल को अच्छी तरह जानकारी है। कतर के लुसेल स्टेडियम में रविवार को होने वाले फाइनल में मौजूदा चैंपियन फ्रांस विश्व कप के खिताब को तीसरी बार अपना बनाने की कोशिश करेगी। वहीं मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम भी इस खिताब को एक बार फिर से जीतकर तीसरी बार अपने नाम कर 36 साल के सूखे को खत्म करने का प्रयास करेगी। वैसे फ्रांस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फ्रांस ने 1998 और 2018 के फाइनल के मुकाबले में उसने शिकस्त हासिल नहीं की है। फ्रांस एक बार फिर से इटली तथा ब्राजील का कारनामा अर्जेंटीना के खिलाफ दोहराने की कोशिश करेगा। फ्रांस दो बार फाइनल के मुकाबले खेला है तथा दोनों ही बार उसने जीत हासिल की है। इसके उल्टे अर्जेंटीना की टीम पिछले 5 वर्ल्ड कप फाइनल में से सिर्फ 2 में ही जीत हासिल कर पाई है। उसने आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल 2014 में खेला था, जहां उसे जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था। अगर मेसी इस बार विश्व कप जीतते हैं तो उनका नाम पेले मैराडोना की जमात में शामिल हो जाएगा। मेसी इस विश्व कप में प्रशंसकों के सबसे चहेते सितारे हैं। फ्रांस के कप्तान व गोलकीपर हुगो इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना की तरफ से मेसी के साथ अहम भूमिका में अल्वारेस दिखाई दे रहे हैं। 18 दिसंबर को होने वाले फ्रांस और अर्जेंटीना के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय समर्थक भी तैयार हैं। वह अर्जेंटीना के लिए मेसी और फ्रांस के एम्बापे को चीयर करने के लिए कमर कस चुके हैं। माना जा रहा है कि 2022 का यह वर्ल्ड कप पुर्तगाल के रोनाल्डो के साथ साथ अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर मेसी के लिए भी आखिरी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मीमांशा की तरफ से उदय इंडिया के लिए धन्यवाद।